करनाल के लघु सचिवालय में मंडल स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव संबंधी प्रबंधों को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां साझा की गई। इस अवसर पर युवा व युवतियों को चुनाव के महत्व के बारे में बताते हुए इस बार विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए मॉडल बूथ के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान वीवीपैट एवं ईवीएम के बारे में प्रैक्टिकल रूप से स्टूडेंट्स को वोट डालना सिखाया गया। अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि इस मॉडल बूथ में सभी अधिकारी महिला होंगी और महिला पुलिस कर्मचारी की ही तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी बूथों पर पानी, बिजली व फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, परंतु जो मॉडल बूथ पंचों विधानसभा में बनाए जाएंगे उनके लिए अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें ज्यादातर महिला अधिकारी व महिला पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। और इस मॉडल बूथ के माध्यम से ग्रामीण एरिया में वह शहरी एरिया में जो दलित बस्तियां हैं उनमें जाकर भी चुनाव में वोट डालना क्यों जरूरी है, इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज किस ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ बुलाया गया? हमें वोट के बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाया था कि वोट हम कैसे देते हैं, हमें उसमें जो मशीन होती है वो कैसे यूज करते हैं, इन सब के लिए हमें बताया गया है यहाँ पे। क्या सीखने को मिला यहाँ आज आपको? यहाँ पे हमें सीखने को मिला कि वोट हमें डालना क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है वोट डालना, इसलिए हमें यहाँ पे। हाँ, क्या कुछ सीखने को मिला जी? हमें यहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए भी मिला कि हमें उनको वोट के लिए कैसे अवेयर करें, और हमारे ये एक अधिकार है ताकि हम इससे हम अपनी अच्छी सरकार चुन सके ताकि। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी बस, जैसे आज मॉडर्न पोलिंग जो है ये बूथ, जो ये VVPTM जो न्यू मशीन आई है उसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें आज अवेयरनेस। तो दूसरों को क्या कहेंगे आप? दूसरों को यही कहेंगे भी हर एक को अधिकार है अपना वोट डालने का, और वोट डालें ताकि आगे आने वाली जो सरकार है उसको काफ़ी मतलब सहयोग मिले हमें हमारा उनको, और इसका एक ये बेनिफिशियल है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। आपने चेकिंग किया तो क्या इसमें फैसिलिटी रहेगी और कितने बनाए जाएंगे? एक्चुअली में आज मंडल स्तरीय करनाल में प्रोग्राम था, जिसमें सभी मंडल में जो तीनों डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और हमने बच्चों को बताया है जो हमारे जो 18 से 19 ईयर्स तक जो हमारा जो यंग वोटर है उनको हमने जागरूक करा है, एक तो क्या वोट की अहमियत होती है उसके बारे में, वोट देना क्यों जरूरी है, साथ में जो EVM VVPAT उसके बारे में थोड़ा जागरूक करा है। इसी के लिए हमने मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाया है कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे उनको देखने को मिलेगी, कि कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर वन होता है, टू होता है, और जो आपकी CU होती है, PU होती है, VVPAT जैसे जिसको हम EVM बोलते हैं वो किस तरीके से दिखती है, कैसे आपको वोट में वोट क्रॉस करनी होती है, तो ये सारी जागरूकता और जो हमारे आगे आने वाले चुनाव है हरियाणा विधानसभा के, इसमें हमारी जैसे हम पूरे ज़िले में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लगभग 5-6 के आसपास मॉडल बूथ सेटअप कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सुविधाएं होंगी, जैसे मतलब कुछ अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ तो जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होगी, या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होगी, या फिर बेसिक फर्नीचर हो गया, या फिर शेड की फैसिलिटी होगी, ये तो हमारे सभी बूथ्स पे अवेलेबल है, पर मॉडल बूथ को हम थोड़ा कैसे हम वोटर फ्रेंडली बनाया जाए उसमें हमारा प्रयास है, तो उसमें हम कुछ 5 बूथ्स हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाएंगे, जिसमें से कुछ बूथ्स तो सिर्फ ऑल वुमेन बूथ्स होंगे, जिसमें हमारी जो पोलिंग पार्टी होगी जो तीनों पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अल्टरनेटिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर सभी महिलाएं होंगी, साथ में जो हमारी जो पुलिस कर्मचारी होंगे वो भी महिलाएं होंगी, और एक हमारा जो बूथ बनेगा वो बनेगा कि पीपल विद डिसेबिलिटी, जिसमें हमारे जो पोलिंग ऑफिसर्स भी होंगे सारे, मतलब जैसे 5 की टीम होती है तो 5 ऑफिसर्स हमारे होंगे, वो सारे PWD ऑफिसर्स होंगे, तो वो असिस्ट करेंगे और वो वहाँ पे विधिवत पूर्वक तरीके से वहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabar paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.